पूरे देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और इस बीच किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 26 मई को किसानों के इस आंदोलन को 6 महीने पूरे होने वाले हैं और ऐसे में किसान नेता 26 मई को पूरे देश में केंद्र सरकार का विरोध कार्यक्रम रख रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा किसानों को अपने कार्यक्रम में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी करनाल पहुंचे और फिर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कार्यक्रम में पहुंचे किसानों को संबोधित किया और हरियाणा सरकार पर हमला बोला। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के लिए हजारों की संख्या में करनाल के किसान जा रहे हैं, तो वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दावा किया कि सरकार आंदोलन को खत्म कराने के लिए अलग अलग अफवाह फैला रही है, लेकिन किसान बदनाम होने वाले नहीं है। आज जिला करनाल से भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं दिल्ली की टिकरी बॉर्डर के लिए और हर हफ्ते हम एक जिले के लोगों को काफला ऐसी दिल्ली ले जाया करेंगे ताकि वहां पे हाजिरी बनी रहे और किसानों में जागृति बनी रहे। सरकार लगातार कह रही है कोरोना जो किसान फैला रहे हैं, तो क्या है? कोरोना किसान नहीं फैला रहे, कोरोना सरकार फैला रही है और सरकार अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए किसानों पर इल्जाम लगा रही है। अभी तक उनके पास गैस पूरी नहीं है, एम्बुलेंस पूरी नहीं है, हॉस्पिटल पूरे नहीं है, टीके पूरे नहीं है, तो बिना इलाज के लोग मर रहे हैं, सड़कों में मर रहे हैं। तो अपनी कमी को, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, और अगर उनको इतनी चिंता है तो मुख्यमंत्री क्यों प्रोग्राम करते हैं हजारों की संख्या? मुख्यमंत्री खुद लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं, कोरोना तो वो लोग बुला रहे हैं, हमारी तो मजबूरी है, उनकी तो कोई मजबूरी नहीं है। ये तो एक रूटीन का मैटर है कि वहाँ पे हमारी हाजिरी रहनी चाहिए, सरकार को कहीं ये बेफिक्री ना हो जाए कि अब किसानों में जागृति नहीं है, वो दिखाने के लिए एक प्रदर्शन है कि हम अभी जाग रहे हैं, अभी सोए नहीं। बातचीत के लिए भी पत्र लिखा है सरकार को, सरकार बार बार कहती है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान आगे नहीं आ रहे हैं, तो हमने भी पत्र लिखा है कि ठीक है हम भी तैयार है, तुम तैयार हो तो हम भी तैयार हैं, करना करना तो उन्होंने पूछा ही नहीं, लेकिन पत्र का जवाब इसलिए उनको दिया है कि लोग ये ना कहें कि किसान कुछ जीत पकड़े हुए। 26 मई का क्या कार्यक्रम रहेगा जी? 26 मई को काले झंडे लगाएंगे और मोदी के पुतले फूकेंगे और 26 मई को बौद्ध पूर्णिमा भी है, सभी मंचों पर बौद्ध पूर्णिमा भी मनाएंगे। देखिए आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हम आंदोलन जीत नहीं जाते, उसमें टाइम कुछ भी लग सकता है, उसमें रणनीतियाँ टाइम टाइम पे बदली जा सकती है। नहीं, संख्या वही हम दिखाना चाहते हैं कि जब वहाँ काम नहीं है तो लोग घरों को आ गए हैं, काम पड़ेगा तो फिर चले जाएंगे। अब आपके सामने तो है एक जिले के लोग, आप देख रहे हैं कितने लोग हैं। करनाल जिले के लोग हैं, केवल करनाल जिले के हैं और 2000 गाड़ी है करनाल जिले की अकेले। और इसके साथ एक यहाँ पर एक अफवाह फैल रही है कि किसानों की डेथ हुई है, वो क्या है, क्या कोरोना से? पता नहीं, ये तो यहाँ वालों को पता होगा लेकिन बिल्कुल सफेद झूठ बोलते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।